नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। क्या आज 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं? 21वीं सदी भी जा रही, पर कहीं ना कहीं जो किस्से कहानियां वैसी की वैसी हैं। जिस तरह से बात करें बेटियों की, बहनों की, आज भी उनको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। आज भी उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। आज भी उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर कब तक? इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक बेटी जुड़ी है। ना ही वो किसी की शिकायत करने आई है, सिर्फ एक इंसाफ की गुहार लगाने आई है। क्या शादी करना आज के दौर में इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि उसका भुगतान लड़की को ही क्यों करना पड़ता है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या नाम है, क्या हुआ है, पूरी वार्ता चाहेंगे। जी बताइए आलिया, क्या कहना चाहेंगी आप? जी मैं इंसाफ चाहती हूँ। शादी को कितनी देर हुई आपको? मेरे निकाह हुए थे 6 फरवरी 2020 में जी। उसके बाद हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जब निकाह होते हैं उसी टाइम पे जरूरी नहीं है विदाई करनी करी जाती है। जी मेरे में, हमारे में 31 अक्टूबर 2020 में रुखसती हुई। निकाह मेरे यहाँ जम्मू में हुए हैं, हम जम्मू में काफ़ी सालों से रह रहे हैं। आपकी निकाह जो है 2020 में हुआ, और रुखसती कब, रुखसती कब हुई? 31 अक्टूबर 2020 2021 में अभी अक्टूबर। अच्छा, मतलब आपकी शादी कब हुई, जो निकाह हुआ वो फरवरी में हुआ? फरवरी में हुआ। और 2020 में ही आपकी रुखसती हुई? जी जी, अक्टूबर 2021 में। रुखसती के बाद समझे आप महीने के एक बाद। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या नाम है उनका? जी नसीर अहमद मलिक। वो क्या काम करते हैं? जी वो बेल्ट फोर्स में। बेल्ट फोर्स में, ठीक है। तो फिर उसके बाद? उसके बाद शादी के समझो एक महीने के बाद ही उन्होंने डिमांड शुरू की, जो कि मैं शादी पे काफ़ी कुछ लेके भी गई थी। उसके बाद भी वो कभी 6 लाख की डिमांड करते थे, कभी ब्रिजा गाड़ी की डिमांड करते थे। मैं बुटीक का काम करती थी, वहाँ पे तो उन्होंने पैसा कमाया, वो कहाँ गया? अब इतना कुछ तो दे दिया था मैंने, इतनी औकात नहीं थी कि मैं और कुछ देती ना। वो इतना उनको पता था सारा, मेरी बैकग्राउंड पता थी, मेरा सब कुछ पता था। अब मेरे से क्या गुनाह हो गया, वो अब क्या चाहते हैं मेरे से? मतलब शादी की थी मैंने बड़े अरमानों से, मेरे बाप ने की थी। उसके बाद वो शादी आपके माता पिता दोनों की सहमति थी? जी जी जी, अरेंज मैरिज हुई है। और लड़का शादी तो कब, आप जब ससुराल में गई कब आपके साथ इस तरह का व्यवहार शुरू हो गया? कोई 10-15 दिन के बाद से व्यवहार शुरू हो गया पैसों के लिए, कि अकाउंट में पैसे हैं वो लाओ या 1 लाख। अकाउंट में थे पैसे क्या? जी उतने नहीं थे, थोड़े बहुत थे, लेकिन जो भी थे मेरे थे, मैंने अपनी मेहनत से कमाए थे। जी जी बिल्कुल, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं था लड़के की। अब उसका हक था ना मेरे पूरे करने, कुछ भी लड़का मेरे से लेके गया पैसे, वो मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोल रही थी पैसे से रिश्ता नहीं होता है। मेरे हस्बैंड ने बोला मैंने लोन निकाला शादी से पहले, जब मुझे वो उसका वो ख़त्म हो जाएगा फिर मैं तुझे देता रहूँगा, तब तक तो तू मुझे वहाँ से दे। अब मैंने कहा जितना मेरे पास है वो तो दे दूंगी, फिर मेरे पास क्या बचेगा? पर आप तो प्राइवेट काम करती थी, वो तो पुलिस बेल्ट फोर्स में था। वही तो मैं उनसे फिर आपसे क्यों मांगते रहे पैसे? वो मैं उससे पूछती थी, बोलते मुझे लोन निकाला है, उसके बाद मेरा जो है वो तेरा ही तो है। मतलब मैं सोचती थी सच में, मैंने जीवन तो उधर ही गुजारना था ना, कि मेरा उसका है, उसका मेरा है। लेकिन जब तक मुझे ये पता चलने लगा कि मेरा तो उसका हो रहा है लेकिन उसका तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे ऐसे करते कोई 5 महीने बीत गए। लेकिन हर दिन गंदी लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, मैं परेशान। कौन कौन करता था गंदी लैंग्वेज यूज़? सारे घर में सारे करते हैं। हस्बैंड भी आपका? हस्बैंड भी करता है, सास तो बहुत करती है। वहाँ पे नहीं देखते हैं कि ये बेटी है या बहू है, गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। मैं बोलती हूँ क्या बेटी का कसूर क्या होता है कि शादी की उसने, उसके माँ बाप का कसूर क्या होता है? जो मेरे माँ बाप के लिए भी गंदी गंदी बातें उन्होंने बोली, बहनों के लिए बोली। अब तुझे रिश्ता ससुराल वाले कहाँ पे? प्रेमनगर डोंगरू डिस्ट्रिक्ट डोडा, डोडा में पड़ता है। अभी ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं आपके हस्बैंड? किश्तवाड़। वो किश्तवाड़ में कार्यरत है, ठीक है। उसके बाद? तो उसके बाद यही सब करते करते बहुत कुछ वो लड़कियों के साथ भी उनके, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास प्रूफ पड़ा है जैसे वो बोलते हैं कि झूठ। मैं झूठ एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास जो भी है मैं ये चाहती हूँ कि वो किस बेसिस पे मेरे करेक्टर पे उंगली उठा रहे, मेरा बैकग्राउंड चेक करें। जबकि मेरी ननद मुझे पहले बोलती थी कि हमारे भाई ने तेरे साथ करेक्टर के वजह से शादी की है, किस लड़की का करेक्टर सही है अच्छी है। आज मैं कैसे 5 महीने में ही बैड करेक्टर बन गई, मेरी क्या गलती है? मेरा सब कुछ देने के बावजूद भी एक तो मुझे धमकियां आ रही हैं, वहाँ से निकालने के बावजूद मेरा सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया है। मेरे डॉक्यूमेंट्स तक उनके पास पड़े हैं, जो आज वो स्टेटस पे डाल रहे हैं, कभी मेरा आधार कार्ड डाल रहे हैं, कभी इलेक्शन कार्ड डाल रहे हैं, उनके पास सारा कुछ पड़ा है। क्यों डाल रहे हैं आधार, क्यों डाल रहे हैं स्टेटस पे? वो उनको पता है क्यों डाल रहे हैं, अब उनका कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता है मेरा इलेक्शन कार्ड आधार कार्ड।
चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती थी मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं आप इस समय कहाँ रह रही हैं? इस समय मैं अभी अपने मायके में रह रही हूँ। मायके कहाँ आपका? जी हम बेसिकली बद्रा के, लेकिन हम फिलहाल 15 सालों से यहाँ जम्मू जलालाबाद में रह रहे हैं। जलालाबाद में रह रहे हैं। तो क्या आपने जब अभी बात नहीं पूछा नहीं अपने हस्बैंड से वापस क्यों नहीं किया अपने ससुराल? मैंने बहुत कोशिश की, बहुत फ़ोन किए घर वाले को, अपने हस्बैंड को कि आपकी माँ मुझे बोरी यहाँ नहीं आना, हम डिवोर्स भेजेंगे तुझे। मैंने फलाना कोई लड़की है जो मुझे अपनी है, मैंने 6 साल पहले इसका उसके साथ किया है, जिसकी वीडियो कॉलिंग मैंने घर वाले को पकड़ी थी आते हुए, जिससे झगड़ा हुआ, तो उन्होंने नहीं माना। जो अगर मुझे माँ बोलेगी रखनी है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, जो माँ बोलेगी उसके साथ जो सेटअप होगा। मैंने कहा शादी तो आपने की है, जब आप ठीक रहोगे तो वो भी रहेंगे, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने फिर अपने भाई को बोला, जो मेरे भाई पर्सनली उनको किश्तवाड़ में ड्यूटी है, मेरे भैया की भी वहाँ पर पर्सनली मिलने गए, वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने कोई बात नहीं मानी। उन्होंने यही बोला कि जो मुझे माँ बोलेगी वही होगा, उनको बोलो उसके साथ सॉर्ट आउट करें। उनकी माँ ने मेरे भाई को ऐसी अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो मैसेज भी एक पड़ा है उनके पास, मेरे पास है, अगर वो चाहे मैं वो दिखा सकती हूँ। उसके बाद मेरे पापा, मेरे जो जीजा है, जो मुझसे बड़ी बहन है, वो जीजा हज करके हैं, उन्होंने कॉल की मेरे हस्बैंड को कि घर बसा तूने इसको निकाल दिया है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आने के बावजूद तेरी माँ इसको बहुत बहुत गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करके इसको बोरी, यहाँ पे नहीं आना, मेरे बेटे ने तुझे 4 मिनट टाइम पास करके लात मार के निकाल दिया, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है पड़ी आपके। हाँ तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप क्या चाहती हो? इंसाफ चाहती हूँ। आप रहना चाहते हो उसके जी साथ? क्यों नहीं रहने के लिए? सारी बातों के बावजूद यानी दूसरी लड़कियों के साथ उनके, आपने कहा आपने वीडियो कॉल पकड़ी है उनकी साथ, माता जी आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, फिर भी आप घर बसाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मेरे बाप ने मतलब कैसे लड़की की किन अरमानों के साथ शादी करते हैं। मेरे बाप ने 10-15 लाख खर्च किया, जो उनके पास बचा था अभी भी उनके ऊपर कर्जा पड़ा है। सबसे छोटी थी मैं, जो उनसे बन सका उन्होंने सब कुछ किया, जो जो मैंने कहा उन्होंने किसी चीज़ में। आप पढ़े हुए हो? जी, ग्रेजुएशन की है। तो यहाँ पर शादी के बाद भी आप काम करते थे बुटीक का? शादी के बाद नहीं, जब मैं यहाँ पे आई वहाँ से निकल के फिर मैंने काम दोबारा स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं थी। मेरे पापा रिटायर आ चुके हैं, 5 ऑपरेशन उनके पड़े। कितनी देर मम्मा के घर हो? कितनी देर से? अभी 3 महीने हो रहे हैं मुझे। 3 महीने हो। कोई आपको खर्चा वर्चा? कोई खर्चा नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं, यहाँ से फ़ोन कॉल की है तो ये बता रहे हैं कि इनका फ़ोन नहीं आया। मेरे भाई ने फ़ोन किया, पर्सनली भी मिले वहाँ से, और मेरे घर में कोई जेंट्स है नहीं जो बात करेगा वहाँ पे, खाली मेरी सास बात करती है, मेरे ससुर नहीं करते हैं। मेरे पापा के लिए बोल रहे, उसने बात नहीं की। मेरे पापा ने जब फ़ोन किया, मेरी सास ने वहाँ से गलत गलत बातें बोली जो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनको 450 शुगर अटैक आया उसकी वजह से, क्योंकि वो गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आपने कहीं कंप्लेन की आपके बारे? जी, फिर मैंने पहले कमांडेंट को कंप्लेंट की कि ऐसे ऐसे बोल रहे वहाँ पे। उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने पता नहीं क्या बोला क्या नहीं। डीएसपी जियाउल हक साहब हैं, उन्होंने मेरे से बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, मुझे देवर भी धमकियाँ दे रहा है कि तुझे डिवोर्स भेजेंगे, तो देवर कैसे बोल सकता है, वो तो घर वाले का हक है। वो बोलते नहीं फिर आप खराब हो। मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, आप चाहते आप मुझे भी बुलाते, दोनों पक्षों का सुनते हैं। मैं ये तो नहीं बोल रही खाली मेरा सुनो, आपने दोनों का सुन के बोला। सबसे पहले अभी आपके हस्बैंड से भी बात करने की कोशिश करते हैं, लाइव उनको लेते हैं, क्योंकि अगर लाइव या अपनी दुविधा सुना रही है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है एक बार दूसरे पक्ष की बात सुने कि आखिर क्यों उनको घर के अंदर नहीं आने दिया जा रहा, जब पूरे रीति रिवाज के साथ आपने शादी की है तो क्यों बाद में भूल जाते हैं? वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। महिलाओं की इज्जत करना, मान सम्मान करना हर धर्म में सिखाया जाता, पर वहीं दूसरी तरफ इस तरह का अगर व्यवहार हो किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ, तो खुद सोचिए समाज में किस तरह मैसेज आता है। हेलो, 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 नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, ये नसीर अहमद जी बोल रहे हैं? जी मैम। जी नसीर अहमद जी, मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट दैनिक शिव टाइम्स से। जी मैडम जी। जी नसीर जी, मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी शादी दोनों की मर्जी से हुई है ना आलिया के साथ? मैडम जी अभी मैं थोड़ा नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ नमाज के बाद कॉल। पर नसीर जी आपको इस समय लाइव ऑडियो में सारी जनता देख रही है, सुन रही है, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है अगर किसी तरह इसी तरह का भी इशू हमारे सामने आता हम आपका भी वर्जन ले, ताकि कल को आपको शिकायत ना हो हमसे, आपका आपका वर्जन हमने लिया। क्या कहना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं इसको अपने घर में आने देता, क्यों नहीं इसको रहने देते वहाँ? मैडम जी आज फ्राइडे है, अभी मैं आपको नमाज के बाद ही कॉल करूँगा। जी चलिए, आपने नमाज के लिए कहा, हम आपको इंसिस्ट नहीं करेंगे,
कि आप अभी हमसे बात कीजिए, कोई नहीं निवास के बाद आप कॉल कीजिएगा, हम आपकी ऑडियो ज़रूर सुनना चाहेंगे और जनता को भी सुनाना चाहेंगे कि आप अपने पक्ष में क्या रखना चाहते हैं। जी मैडम, फ़ोन उठा लीजिएगा आप। ओके जी। नसीर अहमद जो कह रहे हैं आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज अदा कर रहे हैं, और हम भी नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य भी बनता है कि उनको ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि जब नमाज की इबादत की बात आती है तो उसमें खलल डालना कहीं भी सही नहीं, कतई सही नहीं है। तो कोई नहीं, हम वो भी उनकी भी ऑडियो लेकर वो भी लगाएंगे, अपनी जनता तक लाएंगे कि आखिर नसीर का क्या कहना, क्यों नहीं इस किसी की बेटी को इस तरह से घर से निकाल रहे, क्यों नहीं इसकी मदद कर रहे, क्यों नहीं इसको घर अपने घर में नहीं बसने दिया जा रहा। तो फिर आलिया बताइए आप, उन्होंने तो कहा कि नमाज हम ज़रूर उनसे भी जानेंगे, आखिर क्यों नहीं आपको रखा जा रहा, उसके बाद जब आपने कंप्लेंट्स वगैरह की? जी, उनको बुलाया गया वुमेन सेल में 4 बार उनको बुलाया गया, वो नहीं आए। जब भी यहाँ से कॉल गई वहाँ से उसकी माँ ने बात की, मतलब वो एक बात करे दूसरी माँ बात करे कि इसको डिस्टर्ब ना करे, आप इसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। और जब मैंने भी जब भी कोशिश की माँ ने यही बोला, ये तेरा हस्बैंड नहीं है, अब ये मेरा बेटा है, जब ये लाया, मतलब खुद ही तय कर लिया शादी, खुद ही मर्जी से, मतलब आप बहू नहीं, अपनी मर्जी चलेगी, अपनी मर्जी। और लड़का भी यही बोलता है जो माँ बोलेगी, वो ये नहीं कि मैंने कहा शादी तो आपने की, जिंदगी हमने बसर करनी है, आपने माँ का भी सुनना है, लेकिन मैं भी किसी की बेटी हूँ, ये नहीं 5 महीने में किसी को ला के कोई सामान थोड़ी थी मैं, कोई चीज शोपीस है तो मुरझा गया फेंक दिया। अगर उनको नहीं रखना था, उन्होंने बताना था, उन्होंने एलिगेशन अगर लगाए वो कोई प्रूफ वाले लगाने थे, बेबुनियाद नहीं लगाने थे। मैं यही बोल रही हूँ, बेबुनियाद क्यों लगाए जी, मुझसे ऐसी लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करते जो कोई आप पर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है प्रूफ के तौर पे, मैंने पेन ड्राइव बनाया है, मैंने पुलिस वालों को भी दिया है, मेरे पास प्रिंट आउट भी पड़े हैं, जो चैट उन्होंने की है, जो देवर ने की है, जो मेरी ननद ने की है, जो मेरी सास ने की, सब के पड़े हैं, जिस जिसने मुझे और जिस जिसने वहाँ से मुझे धमकियाँ दी है वो भी मेरे पास पड़े हैं। धमकियाँ क्या दे रहे हैं आप? कि कुछ नहीं हो सकता है, आप चाहे चीफ मिनिस्टर के पास जाओ या चीफ जस्टिस के पास जाओ, कुछ नहीं होता है लड़की का, कुछ नहीं होता है। आपको अपने घर में जाने से कौन रोकता था, आप खुद भी चले जाते ना वहाँ पे? मेरी सास ने मुझे बोला तो मेरे इलाके में नहीं दिखनी चाहिए, और ये सही बात है। आप यहाँ पे जो डोडा वाले हैं, डोडा वाले जानते हैं, जो यहाँ से पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर साहब गए नक्शा मौका के लिए, मेरी सास ने उनको भी धमकाया, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बगैर मेरे घर गए मैं आपको फंसाऊंगी। अब कैसे फंसाती वो नहीं पता है, गांव वालों ने खामोशी बरताई क्योंकि डरते हैं, पर कुछ ने बताया है उन सर को कि ये बहुत ख़तरनाक है, लड़की शरीफ थी, लड़का भी खतरनाक है, वो सस भी है, लेकिन हमारा पता नहीं चलना चाहिए कि हमने बोला है, वरना जी नहीं देंगे। अब आप खुद सोचें जो उस गांव के ऐसे बोल रहे, तो मैं एक अकेली लड़की वहां पे थी, और वहां पे ऐसा सोर्स नहीं है कि मैं खुद वहां से कहीं जा पाती, वहां पे रोड तो है लेकिन गाड़ी जब अपनी हो या पर्सनल कोई लाए तभी वहां से जा सकते हैं। और 5 महीनों में मैंने गाँव भी पूरा देखा नहीं है, गाँव हमारा दूर है, घर हमारा दूर है, जब तक गाँव से हम घर से बाहर ना निकले रोड पे तब तक गांव वालों का हमारा पता नहीं चलेगा, और हमें भी गांव का पता नहीं चलेगा, तो इसलिए गांव वालों को क्या पता है मुझे नहीं पता है, क्योंकि किसी के सामने उन्होंने कभी कुछ बोला भी नहीं है, वो तब बोलते थे जब मैं अकेली होती थी। अब मैं यही बोल रही हूँ कि मैंने इतना कुछ मेरा खर्चा भी किया, मेरे बाप का सारा कुछ किया, इतना कुछ करने के बाद ये कैसे 5 महीने में ही मुझे बोल रहे हैं तो हमारे घर से चली जा, तो हमारी कुछ नहीं लगती है क्या, मेरी कोई अहमियत नहीं है क्या, मेरा मायका तो चला गया, मेरा ससुराल में मेरा हक कहाँ बनता है। मैं यही सामान वगैरह सारा उन्होंने रखा हुआ, सारा कुछ उन्होंने रखा हुआ, मेरे डॉक्यूमेंट्स तक उन्होंने रखे हुए, मैं एक सूट में उन्होंने वहाँ से निकाला है, जो कुलडोड़ा छोड़ के गए मेरे हस्बैंड थे, उनको अपने जीजा की गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, उसमें लाया मुझे, वहाँ पे छोड़ के चले गए, मैं टेम्पो में आई हूँ, मैंने गाड़ी का किराया खुद दिया है, वो टेम्पो वाला उसका नाम भी मैं बताऊँगी, वो भी बता सकते हैं, जिन्होंने उसको देखा है वो भी गवाह है कि ये खुद छोड़ के गए थे, आज वो बता रहे खुद चली गई है। अगर मैं खुद चली आती, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स तो साथ लाती, जो मेरी पहचान है, सोना भी बनेगा, सारा कुछ बनेगा, मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करती हूँ, मुझे वो दोबारा नहीं बनेंगे, जो उनके पास है वो सबूत है, खुद उन्होंने दिया है, तो वो खुद निकाल के खुद बो रही है, खुद चली गई है। मैं 5 महीने में ऐसी क्या मुझे ये, मतलब मैं शादी फिर नहीं करती, जब मैंने शादी की, जब मैं सारा कुछ वहाँ पे लेके गई, तो मैं क्यों वापस आना चाहती हूँ? 5 महीने की शादी में काफ़ी कुछ देख लिया आलिया ने, और चलिए इनकी मदर से आप इधर आइए मैम, आप इनसे बात करें, आंटी क्या कहना चाहेंगी आप
यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि हमारे लड़के को इंसाफ चाहिए, सब लड़कियों को, जितनी जितने लड़के हैं उनको इंसाफ ही चाहिए। आज के वक्त में पैसे ऐसा किया जाता है कि जब शादी होती है माता पिता की मर्जी से होती है, बाद में लड़की को इस तरह से लड़की के साथ क्यों व्यवहार होता है कि लड़की का कभी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, कभी गाड़ी के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए? यह मुझे पता नहीं, यह उसी को पता है कि क्या है। हमने तो ज़िंदगी में नहीं देखा, ये गाड़ी नहीं मांगी है हमने, दहेज नहीं मांगा हमने, क्यों इस वक्त मसला और है, तब भी हमने इसको डबल दिया। एक ही थी, छोटी थी, सबसे छोटी थी, अब इसने इतनी बदनामी की। मैं तो बूढ़ी हूँ, छोटी मत हूँ मैं, मेरी बदनामी की, बच्चों की बदनामी की, परिवार की बदनामी की, उसको तो सबूत करना देना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल, वो दामाद भी कर रहा है, उसकी माँ भी कर रहा है, उसका बाप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये मत होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो छोटा मसला था, बड़ा मसला कोई नहीं था। अगर मेरी लड़की उधर से भाग के भी आई थी तब भी उसका माँ ने आना था हमारे पास। मैंने बोला था आप छोटी बहन हो, मैं बड़ी बहन हूँ, कुछ भी होगा मेरे पास आना, मुझे बोलना। मैंने चार रिश्ते उसके पहले भी किए हैं। मुझे एक लड़की श्रीनगर में है, उसकी भी उसने पता नहीं क्या क्या बोला। दूसरी लड़की इधर पुलिस में है, उसके लिए भी पता नहीं क्या क्या बोला। उसके लड़की हैं छोटी छोटी, बोलते मेरा लड़का जाएगा इनको बेइज्जती करके आएगा उधर से। वो मत अच्छा है लगता, अच्छा है। बिल्कुल, लड़कियाँ सब की है ना, इंसाफ चाहिए सब लड़कियों को। आप इंसाफ मांगते हैं और चाहिए इनको कि जो जो उसने बोला जी वो तो सबूत करके देना पड़ेगा उसको। बड़ी विडम्बना की बात है, जब लड़की के साथ शादी करते और शादी के बाद अगर नहीं उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, किसी वजह से शिकायत होती है, तो बड़ी जगह हमने देखा कि लड़की के या उसके परिवार के करेक्टर के ऊपर ससुराल वालों ने जिस तरह से एफिडेविट, यानी कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, आप कुछ भी कहिए। जैसे इन माता जी ने कहा कि अपनी हैसियत से बढ़कर इन्होंने अपनी बेटी को दिया, चाहे दहेज की शक्ल में दिया, चाहे ऐसे दिया कि कल को लड़की को कोई असुविधा ना हो, पर क्या फ़ायदा हुआ? बच्ची को शादी करके अपने ससुराल में भेजा तो बड़ी रीझों के साथ, बड़ी ख्वाहिशों के साथ, पर जिस लड़की ने भी सपने देखे होंगे एक अच्छी ज़िंदगी अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने ससुराल के साथ गुजारने के लिए, पर इस तरह से उसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए, यानी कि महज 5 महीने के अंदर उनके रंग सामने आने शुरू हो गए और साथ ही साथ इनको धमकियाँ भी दी जा रही हैं। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे, जो हमारे आला अधिकारी पुलिस के हैं, वुमेन सेल की SHO हैं, कि इस केस का संज्ञान ले और इस बहन को, ये लड़कियाँ जो है सांझी हैं, ये सिर्फ इस माँ की नहीं बल्कि जम्मू की बेटी है, हर एक की बेटी है। आज इसके साथ कल किसी के साथ, किसी और बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। यानी वो व्यक्ति जो कि बेल्ट फोर्स में है और उसके होते हुए इसको ये कहा जाता है तू हमें कमा कर पैसे दे, तू हमें 1,00,000 रुपया दे, तू हमें गाड़ी दे। शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर जो समाज को एक नई दिशा देने के बजाय समाज को कहीं और ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसा प्रयास कामयाब नहीं होगा। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और बार बार यही कहते हैं अपनी जनता से भी, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं, मत कीजिए ऐसा। एक नई कोशिश कीजिए, अपनी बच्चियों को पढ़ाइए लिखाइए, सक्षम बनाइए, ताकि कल को आपको दहेज देने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि जब बच्ची सक्षम होगी तो कोई भी उसके साथ गलत नहीं कर सकता, कोई भी उसके हाथ की लकीरों की रोजी रोटी नहीं छीन देता। इसीलिए बार बार कहते हैं अपनी बच्चियों को पढ़ने दीजिए, अपनी बच्चियों को जो करना उनको ज़िंदगी में अपना एम लेने दीजिए, चुनने दीजिए अपनी ज़िंदगी उसको, ताकि आने वाले समय में इस आलिया की तरह और कई बेटियों को रोना ना पड़े या उसके माता पिता को पछताना ना पड़े। हम नसीर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों इस बच्ची को अपने घर से, ससुराल से निकाला गया, क्यों इसको अपने घर में नहीं जाने दिया जा रहा, क्यों इसको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है, क्यों, आखिर क्यों? ये बच्ची है, गरीब माँ बाप की बच्ची है। तभी जी कैसे मेरी सास ने मुझे निकालने के बाद ही दूसरी बहू लाने की कोशिश की, या मेरे हस्बैंड ने, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है जो सबूत के तौर पे अगर पब्लिक को लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे पास सारा कुछ पड़ा है जी, जिसमें मेरा लड़का एक रिजवान मलिक ने कमेंट किया है कि डिसर्ड फैमिली है। अगर ये डिसर्ड फैमिली है तो मेरी सास कैसे बोलती 4 महीने मेरे बेटे ने, 2 बेटों ने तेरे साथ टाइम पास करके लात मार के निकाल दिए, वो रिकॉर्डिंग भी है। दूसरी रिकॉर्डिंग जिसमें लड़का बोल रहा है, जिसके साथ वो कर रहा है, मौसी की बेटी है, तो उसका 2 साल से किसी और बॉयफ्रेंड के साथ चक्का चाहिए, तीनों कॉल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेरे पास सारा कुछ है जी। जिसमें बोल रहा है बद्दुआ बीवी की नहीं लगती है, मैंने बीवी देख मेरी थी तो मुझे उसकी परवाह नहीं, चाहे जो करे जा है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने इसके साथ करनी है अब।
और मेरी 5000 गर्लफ्रेंड थी, उनकी बद्दुआ नहीं लगी, बद्दुआ माँ की लगती। क्या इसकी नज़र में यही अहमियत एक लड़की की है? ऐसे लोगों पर हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस से भी यही निवेदन करेंगे, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ही अनिवार्य है और ऐसे लोगों को उनकी जगह बताना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि जो दूसरों की बच्चियों की इज्जत को अपनी इज्जत नहीं समझते बल्कि उनकी इज्जत को तार तार करते, साथ ही साथ उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं कि कोई नहीं, लड़की है, किसी की बेटी है, कुछ भी करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बेल्ट फोर्स होने के नाते शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर, और साथ ही साथ ऐसी माओं पर जो अपने बेटों को अच्छे संस्कार तो नहीं देती पर कहीं ना कहीं दूसरी बेटियों के साथ गलत करने को उकसाती हैं। अरे महिलाएं आप भी हैं, आपकी बेटियों के साथ अगर ऐसा हो तो खुद सोचिए आपके दिल पर क्या बीतेगी, उस समय क्या आप भी ऐसा ही कहेंगी कि कोई बात नहीं अगर बेटी के साथ हुआ कोई बात नहीं, हम अपने दामाद को बोलेंगे कहीं और शादी कर रहे। जब अपनी दुखती रख पर हाथ रखेगा तभी दर्द दूसरे की बेटी के दर्द का एहसास होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आलिया को इंसाफ मिल जाए। हाँ जी, मेरा फ़ोन यहाँ पे पड़ा है, मैं बोलती हूँ उनके फ़ोन भी जब्त किए जाए, मेरा फ़ोन भी निकाले जी, खाली उनका नहीं, दोनों तरफ से देखें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल, चलिए इस बेटी की गुहार है, हम फिर से कहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कि इसने जो जितने भी इल्ज़ाम लगाए आलिया ने और साथ ही साथ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से भी विमेन सेल की अच्छी जो ऑफिसर है अनीता कतल बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, जितने भी केसेस उनके पास गए हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लेकर वो महिलाएँ वहाँ से आए, क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई भी अगर हमारे पास इस तरह से महिला आती है हम उनके पास भेजते हैं, बड़ी अच्छी तरह से उनको एंटरटेन किया जाता और उस केस को सुना जाता, उसकी तह तक पहुँचा जाता है। इस केस भी हम मैडम से निवेदन करेंगे कि इस केस को भी इसी तरह से हैंडल कीजिए ताकि किसी की बेटी की यानी जिंदगी खराब ना हो, और ऐसे लोग पता नहीं कितनी बेटियों की जिंदगी खराब करेंगे। जी तो दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।